हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीटेट के जो एडमिट कार्ड हैं वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, सीटेट परीक्षा के लिए जो परी के एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं, उसको आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो और किस प्रकार से उसका प्रिंटआउट ले सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से कम्प्लीट पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी जो सीटेट के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं उनमें आप अपने एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट का ही पता कर पाओगे और जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले जनरेट होगा, तो आप उसको एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले डाउनलोड कर पाओगे। उससे पहले जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे या अभी जो आप डाउनलोड करोगे उसमें आप एग्जाम की डेट और एग्जाम की सिटी का पता कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसको डाउनलोड करने के लिए आपको सीटेट की इस प्रकार से एक वेबसाइट पर आ जाना है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से विजिट कर सकते हो। तो इस वाली वेबसाइट में आने के बाद फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से 2 सर्वर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको कोई सा भी एक सर्वर का चूज कर लेना। फ्रेंड्स, दोनों सर्वर बढ़िया से काम कर रहे हैं, आप किसी भी सर्वर से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सीटेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इनमें से किसी एक लिंक पर क्लिक करना होगा। इस वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और उसके बाद में इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये अपना एप्लीकेशन नंबर डाल लेना, उसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेने, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर ये कैप्चर कोड फिल कर लेना और उसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो प्री वाला एडमिट कार्ड है जिसमें आप डेट और एग्जाम सिटी पता कर पाओगे वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट यहाँ पर एंटर कर ले, उसके बाद में आगे का क्या प्रोसेस और किस प्रकार से डाउनलोड होगा उसके बारे में जानेंगे। तो मैं यहाँ अपने जो एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर कोड फिल कर लिया, उसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से आपका जो प्री एडमिट कार्ड है उसका जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से इसमें COVID-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन मिल जाएगा, तो आपको इसको फिल करके ले जाना है जहाँ आप एग्ज़ाम देने जाओ। तो और यहाँ पर आपको जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे आने पर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो आपकी एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको शो होगा कि आपका फाइनल एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 3 या 4 दिन पहले जारी होगा। ये आपका फाइनल एडमिट कार्ड नहीं है, इसलिए आपको फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा वापस से जब वो जनरेट हो जाएगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके रोल नंबर वो यहाँ शो नहीं होंगे क्योंकि आपके जो रोल नंबर है वो फाइनल एडमिट कार्ड में जनरेट होंगे, तो आपको फाइनल एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना है। इस वाले एडमिट कार्ड को लेकर ही आपको एग्जाम में नहीं जाना, आपको फाइनल एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड करके साथ में लेके जाना है और ये वाला भी लेके जाना है। उसके साथ में आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो फॉर्म है इसको फिल करके आपको ले जाना होगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी और आपने किस लेवल से फॉर्म फिलअप किया था वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी और यहाँ पर आपको टाइमिंग शो हो जाएगी आपके फाइनल एडमिट कार्ड में। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ आपके फादर्स का नेम शो हो जाएगा। तो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि आपकी जो डिटेल है वो इसमें सही है या फिर नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए तो आपको एग्जाम में जाने से पहले इनको एक बार अच्छे से रीड कर लेना और उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे यहाँ पर प्रिंट एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करके इसका जो प्रिंट आउट है वो ले लेना। इस प्रकार से इसका जो प्रिंट आउट है वो आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना क्योंकि आपको एग्जाम में जो है ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म फिल करके ले जाना है, तो आपको यह भी प्रिंट आउट करवाना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले अपना फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे इसी वाली वेबसाइट से। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप विजिट करके अपना जो प्री एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप जानकारी आपको पसंद आएगी, अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए।